नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया नाउ और आज की रिपोर्ट आपको संभल से बता दी। संभल में चोरी की कार, मोटरसाइकिल और चोरी के माल के साथ दो अभियुक्त गिरफ्तार। संभल में पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा और पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार जायसवाल की कुशल निर्देशन और क्षेत्र अधिकारी राकेश कुमार और प्रभारी निरीक्षक विद्युत गोयल के कुशल नेतृत्व में जनपद संभल में कानून व्यवस्था, अपराध और अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाए गए वांछित अपराधी अभियान के तहत आज मोहम्मद नसीम खां में हमराह पुलिस टीम के साथ वांछित अपराधी व तलाश में संदिग्ध व्यक्ति के दौरान मुखबिर की सूचना पर केशरपुर तेराहा से अपराधी देवेंद्र को गिरफ्तार किया गया है। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट संभल से संवाददाता मुबारक अली के साथ। सर, महिलाओं से लूट के आरोपी कुछ पकड़े गए हैं, क्या मामला है? आज थाना रजपुरा की पुलिस के द्वारा दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम है लोकेश और देवेंद्र। ये दोनों थाना हयात नगर क्षेत्र के रहने वाले हैं। इन दोनों से पूछताछ में यह पता चला कि इनके द्वारा पिछले कुछ समय में लगभग 3 घटनाओं का इनसे पता चला, जिसका इन्होंने खुलासा आज कराया गया है। इसमें एक पहली घटना जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से लूट का मामला था, जो थाना रजपुरा के अंतर्गत हुआ था। इसमें दोनों बाइक सवार युवकों ने उस महिला से उसका पर्स छीना था, जिसमें उसके कागजात, कुछ पैसे वगैरह थे। दूसरी घटना इन्होंने नूरपुर तिराहे के पास थाना गुन्नौर में की थी, जहां पर एक महिला से कुछ पैसे और उसका मोबाइल छीना था। तीसरी घटना इन्होंने थाना हयात नगर के अंतर्गत, ये कुछ समय पहले की बात है, एक महीने पहले की, उस समय इन्होंने वहां से पैसे से भरा हुआ बैग एक मोटरसाइकिल से उतार के और ये लोग भागे थे। तो इस प्रकार से इनके ऊपर अभी तक पूछताछ में 4 मुकदमे इनके पास से बरामद हुए हैं, सामान इसमें बरामद हुआ है। फिर जब इनकी निशानदेही पर इनसे और पूछताछ की गई तो इनके पास से एक डस्टर कार, जो चोरी की प्रतीत हो रही है, और 6 मोटरसाइकिल, एक घड़ी, 23,000 रुपए और एक माथे का टीका पीली धातु का, और एक मोबाइल जो इस महिला का नूरपुर तिराहे से इसके साथ लूट हुई थी उसका है, ये सामान बरामद हुआ है। इन दोनों को माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है, इनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। और इस तरह से ये तीनों घटनाओं का अनावरण आज रजपुरा